नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अमोदेवा फार्म में। आज के वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं हमारे फ्रूट गार्डन में, जहां पे हम हल्दी और अदरक की पौध लगाने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको मल्टी क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग के बारे में भी बताना चाह रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप एक ही जगह से मल्टीपल चीज़ें उगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपको हल्दी के बीज से मिलवा के। हल्दी उगाने के लिए आप मार्केट से कोई भी सूखी हुई हल्दी ले सकते हैं और उसको जर्मिनेट करवा सकते हैं। जर्मिनेशन का प्रोसेस बड़ा ही आसान है और हरी चीज़ में लगभग सेम प्रोसेस होता है। वो ये कि आपको बीज को थोड़ी सी नमी देनी है और उसको थोड़ी सी धूप दिखानी है। कुछ लोग इसको स्प्राउट करने के लिए गीली मिट्टी में डाल के रखते हैं, कुछ इसको गीले तौलिए में दबा के रखते हैं। आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हमारे लगभग सभी बीज जर्मिनेट हो चुके हैं। तो आइए अब बीज लगाना शुरू करते हैं। बीज लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत गहरा गड्ढा नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि इसका जो कनक है, यानी कि जो ये स्प्राउट हुआ है, ये चीज़ हमें ऊपर की तरफ रखनी है, कुछ इस तरह। ऐसा करने से बीज ज़मीन से जल्दी बाहर निकलेगा और हमारा पौधा जल्दी बड़ा होगा। हल्दी के कुछ बीज हमने एक महीने पहले भी बोए थे, तो आइए एक बारी वो भी चेक कर लें। ये देखिए बीज कितना बढ़िया जर्मिनेट हो रहा है। कुछ ही सप्ताह में ये पूरा पौधा बन जाएगा। बड़े हो जाने पे हल्दी के पौध कुछ इस तरह नजर आते हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं अदरक की पौध लगाने। हल्दी और अदरक की पौध लगभग एक ही तरीके से लगती है। जिस तरह हमने हल्दी एक डोल पे लगाई, उसी तरीके से अदरक भी हम एक डोल पे ही लगाएंगे। अदरक के जर्मिनेटेड बीज हमारे तैयार हैं, हमें बस अब उन्हें मिट्टी में दबाना है। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि अदरक की कनक ऊपर की तरफ और मिट्टी कम खोदनी है, कुछ इस तरीके से। अदरक और हल्दी लगाने का सबसे बढ़िया समय है अप्रैल से जुलाई का, जब तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब इतनी गर्मी में बीज लगाने के बाद आते हैं हमारे सबसे मन पसंदीदा काम पे, यानी कि पानी लगाने पे। बीज लगाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जब आप पानी लगाएं तो बहुत अच्छे से पानी लगाना है, और उसके बाद सिर्फ मिट्टी में नमी बरकरार रखनी है। 8 से 9 महीने के बाद अदरक और हल्दी दोनों के ही पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, जो कि हमें बताएगा कि हल्दी और अदरक दोनों ही तैयार हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं आप सभी अपना अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।